हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक कुशवाहा यूट्यूब चैनल। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, ईमेल आईडी लिंक नहीं है, तब भी आप सीएससी केंद्र में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने टीईसी में रजिस्ट्रेशन कर दिया है, जो ये टेली एंटरप्रेन्योर कोर्स है जो सीएससी की तरफ से जो न्यू सीएससी वेली है उनके लिए, तो आप यहां पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। देखिए, इसे लॉग इन विथ अस पे क्लिक करते हैं तो इस टाइप का ऑप्शन आता है आपके सामने। और यहां पे अगर आप ऑलरेडी पहले से सीएससी वेली है तो आप यहां पे लॉग इन विथ सीएससी कनेक्ट पे क्लिक करके आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। हालांकि ये एग्जाम सभी के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आप सीएससी सेंटर ऑपरेटर हैं तो आपको भी एग्जाम देना होगा। और अगर आप न्यू सीएससी वेली हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं अपना सीएससी में, तो सबसे पहले इसी वेबसाइट पर आना है। ये देख लीजिए, csc-entrepreneur.in। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन डन कर लेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन डन करेंगे, अपना ये डिटेल है फुलफिल करेंगे, देखिए ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये क्या क्या फिल करना होता है। यहाँ पे आपको नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ध्यान रहे जो ईमेल और जो मोबाइल नंबर होगा ओनली एक बार यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है किसी कारणवश, तो आपको यहाँ पे मोबाइल और ईमेल एड्रेस फिर से चेंज करना होगा। ठीक है, एक बार आपने यूज कर लिया तो दोबारा उस ईमेल आईडी को और उस मोबाइल नंबर को यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें टीईसी में, तो सोच समझ के करें और आपका इंटरनेट स्पीड काफी ज्यादा हाई होना चाहिए। मैक्सिमम लोगों के क्या हो रहे हैं, यहाँ पे पैसे फंस जाते हैं, पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। हालांकि पैसे अगर फंसेंगे आपके तो वो करीब 10 दिन में रिफंड आपके खाते में आएगा। अगर आपका इनवैलिड ट्रांजेक्शन अगर हो गया यहाँ पे, तो आपका मोबाइल और ईमेल एड्रेस फिर से नहीं लेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, जो कि सीएससी रजिस्ट्रेशन के लिए काफी ज्यादा डिफेक्टिव हो जाता है। और यहाँ पे आपका जो इमेज होगा, फोटो होगा, वो 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सबमिट करेंगे तो आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। देन आपको यहाँ पे आना है सीएससी के डैशबोर्ड में। ये डिजिटल सेवा पोर्टल है, देखिए digitalseva.csc.gov.in। ये वेबसाइट है गवर्नमेंट की, यहाँ पे हर टाइप के वर्क होते हैं ऑनलाइन के, जैसे कि पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड। अगर आप किसी बैंक का मिनी ब्रांच ओपन करना चाहते हैं तो भी इस पोर्टल के माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकते हैं। तो अभी सीएससी का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सीएससी का रजिस्ट्रेशन वाला डैशबोर्ड ओपन होगा और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू रजिस्टर। आप इस पे क्लिक करेंगे, इस टाइप के ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, देखिए यहाँ पे सिलेक्ट एप्लीकेशन टाइप, यहाँ पे सीएससी वीएलई चूज करेंगे तो टीईसी सर्टिफिकेट नंबर डालना होता है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आप बिना टीईसी सर्टिफिकेट के आप सीएससी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सच है, आप बिना टीईसी सर्टिफिकेट नंबर के अपना रजिस्ट्रेशन डन कर सकते हैं। टीईसी सर्टिफिकेट नंबर वही होता है जो आपका यूजर आईडी होता है। जैसे कि आप यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक यूजर आईडी मिलेगा, वही आपका टीईसी सर्टिफिकेट नंबर है। देखिये, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करेंगे, यूजर आईडी अलग होता है, पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर होता है, पासवर्ड बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं लॉग इन करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए, मैं जैसे कि यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करता हूँ, अभी आप डैशबोर्ड में है, ये आपका सारा डिटेल शो कर रहा है। और यहाँ पे इस अकाउंट में आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसलिए गाइज मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप टीसी में रजिस्ट्रेशन करें बहुत सोच समझ के करें, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम किस टाइप की आएगी इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। टीसी में रजिस्ट्रेशन आपका गलत होगा तो सीएससी में रजिस्ट्रेशन आपका बिल्कुल नहीं होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। लर्निंग पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, सारे मॉडल्स दिए गए हैं, जो भी एग्जाम होगा तो उसके बारे में समझाया गया है। हिंदी और इंग्लिश में वीडियो दी गई है, वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे असेसमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम देना होता है, एग्जाम देने के बाद आपका सीएससी में रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। डैशबोर्ड में जब क्लिक करते हैं, असेसमेंट कंप्लीटेड 10, मतलब 10 एग्जाम इन्होंने दे दिया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है योर सर्टिफिकेट विल बी डाउनलोडिंग आफ्टर 7 वर्किंग डेज, मतलब 7 दिन बाद टीईसी की तरफ से यानी सीएससी की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और सर्टिफिकेट नंबर डाल के आप यहाँ पे अपना आवेदन कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये अभी तक का अपडेट है कि जो ये टीईसी नंबर है, जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है टीईसी नंबर, यूजर नेम जो है यही आपका सर्टिफिकेट नंबर है, बस आपको एग्जाम देना होता है। विदाउट एग्जाम दिए अगर आप यूजर नेम को यहाँ पे डालते हैं, टीईसी सर्टिफिकेट नंबर को डालते हैं और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डन करते हैं, तो फ्रेंड्स ये इनवैलिड रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपका सीएससी में रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाएगा बाद में। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ये जो 7 वर्किंग डेज वेट करने के लिए बता रहा है, इसके लिए आपको वेट नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे बिना एग्जाम दिए सीएससी में अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये अप्रूव नहीं होगा, किसी कीमत पर अप्रूव नहीं होगा।
होने का, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड माना जाएगा। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड या कुछ भी प्रॉब्लम हो, डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिए, यहाँ से आपको 100% हेल्प की जाएगी। पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। चलिए इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। और फिर सब आते हैं सेकंड टॉपिक पे। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिंक नहीं है, तब भी आप CSE केंद्र में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे यानी रजिस्टर पे जब आप क्लिक करेंगे, TEC यानी टेली इंटरप्रीनियर कोर्स में रजिस्ट्रेशन करते टाइम आप यहाँ पे जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल एड्रेस देंगे, उसी ईमेल एड्रेस को आपको बाद में अपने आधार कार्ड में अपडेट करा लेना है। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि CSE का एप्लीकेशन अभी स्टार्ट है, ये कब बंद हो जाए कुछ पता नहीं। तो आप एप्लीकेशन कर लेंगे, आपको यहाँ पे UIDAI के वेबसाइट पे आके यहाँ पे आधार कार्ड में अपने उस मेल आईडी को और मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करा लेना है। ये प्रोसेस हमारे थ्रू करा दिया जाता है। अगर आप हमारे प्रीमियम मेंबर होते हैं तो ये प्रोसेस आपका हम 100% यहाँ से सक्सेसफुल करवा देते हैं। ये काफी आसान है, आपको ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। तो CSE रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको करना क्या है, यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, लेकिन जब आप CSE रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे, CSE वेली चूज करेंगे एग्जाम कंप्लीट करने के बाद, TEC नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चे को फिल करके सबमिट करना है। देन उसके बाद तो यहाँ पे OTP आता है, इस तरीके से ऑप्शन खुलता है। देन आपको यहाँ पे OTP डालना है और ईमेल आईडी डालना है। देन यहाँ पे इस कैप्चे को फिल करके सबमिट करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपके ईमेल आईडी पे एक OTP जाता है, दोनों को कंफर्म किया जाता है। देन यहाँ पे इस कैप्चे को डाल के यहाँ पे सबमिट करते हैं, तो फिर इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। तो अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल और ईमेल आईडी कुछ भी रजिस्टर नहीं है, तो आप यहाँ पे FMR इस वाले ऑप्शन को, सेंटर में जो ऑप्शन दिया गया है FMR, इस ऑप्शन को आप चूज करेंगे और इस कैप्चे को फिल करेंगे। बाकी ऊपर की डिटेल आप फिल करेंगे और इसके टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे और इसे सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पे इस टाइप्स का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऑटोमेटिक चूज होके आएगा, और बाद में आधार कार्ड में मोबाइल और ईमेल एड्रेस को मैंने रजिस्टर करा दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको CSE ID 100% मिल जाएगी। तो यहाँ पे चूज होके आ जाएगा आपका, कैप्चर पे क्लिक करेंगे तो आपका फिंगरप्रिंट की लाइट जल जाएगी, वैलिडेट हो जाएगा, और यहाँ पे CSE का जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा और आप अपनी डिटेल फिल करके सबमिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके आधार कार्ड में मोबाइल और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस तरीके से आप CSE में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या फिर कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, चलते हैं लास्ट टॉपिक में। यहाँ पे कुछ एरर आपको बता देता हूँ, जो हमारे न्यू CSE वेली है जिन्होंने TEC में रजिस्ट्रेशन अपना कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है, आपको यूजर आईडी और पासवर्ड भी मिल चुका है, लेकिन जब भी आप CSE रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं और यहाँ पे आप TEC नंबर डाल के मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे कि जब ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पे जाते हैं, OTP चूज करते हैं और इस कैप्चे को डालते हैं, सबमिट करते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है, और सबसे ज्यादा मात्रा में यही आ रही है। बाकी और भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रोवाइडेड डिटेल डिड नॉट मैच विथ योर आधार। ये प्रॉब्लम तभी आएगी जब आपका TEC में नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, या फिर फादर नेम गलत है, कुछ ना कुछ आपने गलत किया होगा जो आपके आधार कार्ड से डिफरेंट होगा, आपके आधार कार्ड में कुछ और होगा। एक अक्षर भी, एक वर्ड भी यहाँ पे अगर गलत हो गया, मिसमैच हो गया, तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे ऑथेंटिकेशन नहीं होगा और यहाँ पे आपको यही ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, यहाँ तक कि एक चीज मैंने और नोटिस की है, जो आधार कार्ड में एड्रेस है वही एड्रेस सेम डालना है, बिल्कुल डिट्टो। कुल मिला के ये जो आधार ऑथेंटिकेशन है, ये इस तरीके से है कि आधार के हर एक डाटा को आपको TEC में फिल करना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो ये आपकी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सोल्यूशन है। लास्ट तक आपने इस वीडियो को देखा है तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप TEC में रजिस्ट्रेशन करें तो एड्रेस को भी सेम फिल करें जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है। इस फॉर्म में ज्यादा कुछ भरने को नहीं है, ये जो TEC का फॉर्म है इसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, फादर नेम बस, और आपका एड्रेस है। आप एड्रेस में गलती कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट एरर आपको दिखाता हूँ, ये रिक्वेस्ट XML वैलिडेशन फेल। आपके कंप्यूटर में जो RD सर्विस होगी उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए और नया अपडेट डाउनलोड करके इंस्टॉल करके फिर कीजिए, हो जाएगा। और यहाँ पे एक और भी प्रॉब्लम आ रही है, देखिए द ईमेल फील्ड मस्ट कंटेन ए यूनिक, तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, नोट कैप्चर की प्रॉब्लम आ रही है, पेमेंट करते हैं पेमेंट कट जाता है लेकिन नहीं हो पाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। जब आप CSE में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखें। ये थी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, ईमेल आईडी लिंक नहीं है तो कर सकते हैं। अगर आपने TEC का रजिस्ट्रेशन कर दिया है और सर्टिफिकेट आने में अभी टाइम लग रहा है, तो आप TEC सर्टिफिकेट नंबर डाल के अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करें, कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लें। और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए यहाँ पे आए और यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके अपना यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके डेट और टाइम ले लें और जाके वहाँ पे अपना मोबाइल और ईमेल को अपडेट करा दें। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर मोर डिटेल यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब
तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।